जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंदी न्यूज़। फरवरी और मार्च का महीना था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आ रही थी। भारतीय टीम का अनाउंसमेंट होता है लेकिन अजिंक्य रहाणे को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके बाद बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आती है, अजिंक्य रहाणे का नाम उस लिस्ट से भी काट दिया जाता है। वो अजिंक्य रहाणे जो कुछ समय पहले तक ए प्लस कैटेगरी के प्लेयर थे। याद करिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम पहली पारी में 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद भी जिताई थी, फिर भी रहाणे को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जैसे लगा कि उनके खेल का द एंड हो गया है। लेकिन इसके बाद आईपीएल की शुरुआत होती है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने उनको उनके बेस्ट प्राइस पर खरीदा। तो क्रिकेट पंडितों ने कहा कि ये धोनी का सबसे खराब डिसीजन हो सकता है, क्योंकि T20 युवाओं का गेम है। लेकिन उन क्रिकेट पंडितों को क्या पता कि थाला ने जिस पर भी अपना हाथ रखा है वही सबसे कीमती धातु बन जाता है। और रहाणे 176 रन के स्ट्राइक रेट से 326 रन मारते हैं। वो मैच भी मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने 29 गेंद में 71 रन ठोके थे। बस वहीं से रहाणे के लिए भारतीय टीम में जगह बन जाती है। अब WTC का फाइनल मुकाबला चल रहा होता है, भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही होती है, तब अजिंक्य रहाणे आते हैं। पहले दिन 71 बॉल पर 29 रन मारते हैं। ये संयोग ही है कि IPL में 29 बॉल पर 71 रन और यहाँ 71 बॉल पर 29 रन। इसके बाद शानदार छक्का मारकर वो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। हालांकि वो 89 रन बनाकर आउट हो गए। दुर्भाग्य की बात है कि रहाणे शतक से चूक गए। लेकिन ये 89 रन की पारी भारत को फॉलो ऑन बचाने वाली और भारतीय टीम की इज्जत बचाने वाली पारी थी। अजिंक्य रहाणे ने इस पारी की बदौलत अपने 5000 रन भी पूरे किए और 13वें भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने ये कारनामा अपने 41वें मैच में किया। वहीं अगर भारत अभी भी लड़ रहा है तो रहाणे के 89 रन, शार्दुल ठाकुर के 51 रन और रविंद्र जडेजा के 48 बेशकीमती रन थे। अगर अभी भी गेंदबाज थोड़ा दम दिखाते हैं और ऊपरी बल्लेबाजी क्रम अपने नाम के अनुरूप खेलती है तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखाई जा सकती है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि रोहित शर्मा को टीम से ब्रेक देना चाहिए और नए नेतृत्व की तरफ देखना चाहिए? प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।